गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोगों ने पिछली क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे, आज उसी का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, पार्ट टू। कल हमने जाना कि जब किसी इस मार्कर को, जिसका हमने एग्जाम्पल दिया था कि इस मार्कर को 10 रुपए में खरीद कर 12 रुपए में बेचते हैं तो हमें 2 रुपए का मुनाफा होता है। मुनाफा मतलब कि लाभ, लाभ को इंग्लिश में प्रॉफिट बोलते हैं। और जब हम इसी मार्कर को 10 रुपए में खरीद कर 8 रुपए में बेचते हैं तो क्या होता है, 2 रुपए का हमारा घाटा होता है। घाटा मतलब क्या हो गया, हमारी हानि हो गई। आज उसी पर चलते हैं कि हमें जब ये तो रुपए में हानि लाभ हो गया, उसका जो डिफरेंस होता है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, हानि कहते हैं। और विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का जो डिफरेंस होता है उसे हम लाभ कहते हैं। ठीक, ये रुपए में हो गया। आज हम उसी को प्रतिशत में जानते हैं, प्रतिशत में लाभ क्या होता है। कहाँ हम लिखेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितने का होगा, वो लाभ कितने का होगा, वो क्लास 6 to 8 के लिए है। क्लास 6 to 8 के लिए लाभ कितने का हो रहा है, बटा जो चीजें नहीं बदलती हैं। जैसे हमने इसे 10 रुपए में खरीदा और चाहे इसे 12 बेचे चाहे इसे 8 बेचे, तो हमारा खरीदने वाला रेट नहीं बदलता है, हमेशा लाभ लाभ या हानि आप खरीदने वाले मूल्य पे निकालते हो, मतलब क्रय मूल्य पर याद करते हो। तो हम क्या लिखेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणते 100। ये प्रतिशत में आ गया। क्या लिखेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ये हमारा फार्मूला हो गया। जो चीजें नहीं लगती है हम उसी पे क्या करते हैं, उसका प्रतिशत निकालते हैं। जो चीजें नहीं, जैसे क्रय मूल्य बदला, विक्रय मूल्य बदलेगा तो विक्रय मूल्य में हम प्रतिशत नहीं निकालेंगे। जैसे अब एग्जांपल, जब हम किसी वस्तु को 10 रुपए में खरीद कर 12 रुपए में बेचते हैं तो लाभ प्रतिशत कितना होता है। देखिए, पहले क्वेश्चन को लिखेंगे। प्रश्न नंबर फर्स्ट, जब किसी वस्तु को 10 रुपए में खरीद कर 12 रुपए में बेच दिया जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस मतलब कि क्रय मूल्य कितना है, तो आप क्रय मूल्य लिखेंगे। क्रय मूल्य कितना है, 10 रुपया है। विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य बराबर 12 हो गए। देखिए हमने क्या देखा कि हमने ये देखा कि जब हम किसी वस्तु को 10 रुपए में खरीदते हैं, खरीदने वाले मूल्य को क्या बोलते हैं, हम क्रय मूल्य बोलते हैं। हमने खरीदा 10 रुपए में और उसे 12 रुपए में बेच दिया, बेचने वाली कीमत को क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। तो 12 रुपए क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, और क्रय मूल्य कितना हो गया, 10 रुपए हो गया। तो लाभ कितना होगा, अब देखिए यहाँ पे लाभ कैसे पता चला हमको, क्योंकि विक्रय मूल्य ज्यादा है किससे, क्रय मूल्य से। जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा क्रय मूल्य से तो हमारा लाभ होगा। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, इसी को हम सीपी बोलते हैं, इसको हम एसपी बोलते हैं। एक सीपी, तो एसपी माइनस सीपी। अब एसपी कितना है, 12 माइनस 10 बराबर कितना, 2 रुपया। 2 रुपया क्या हुआ, हमारा लाभ हुआ। अब पूछा गया है लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो लाभ प्रतिशत क्या करने के लिए फार्मूला बता सकते हो, लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणते 100। तो लाभ कितने का हुआ, 2 रुपए का। क्रय मूल्य कितना है, 10 गुणते 100, 1 0 1 0 10 गुना 10 = 20।
20% क्या हुआ हमें लाभ हुआ, तो लिखेंगे अतः 20% का लाभ होगा, यानी लिखेंगे अतः 20% का लाभ होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करना है, यहां से स्टार्ट करना है, साल यहां लिख देना है और यहां पे आपको खत्म करना है। ठीक, हमने क्या देखा कि हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ, 20% का हुआ। दूसरे क्वेश्चन चले हम, दूसरा क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को 20 रुपए में खरीद कर 25 रुपए में बेच दी जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक, हम क्या लिखेंगे यहां पे, पहले तो हम सीपी लिखेंगे, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य हमारा देखिए हम कह रहे जब किसी वस्तु को 20 रुपए में खरीद कर, तो खरीदने वाला मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, तो कितना लिखेंगे 20 रुपए लिखेंगे। अब देखिए विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य कह रहा है कि 20 रुपए में खरीद कर 25 रुपए में बेच देते हैं, बेचने वाली कीमत क्या होती है, विक्रय मूल्य होती है, यानी कहते हैं 25। अब हमको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता है तो क्या करेंगे, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है तो लाभ होगा, तो लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी, 25 माइनस 20 बराबर 5 रुपए का लाभ होगा। लेकिन पूछ क्या रहा है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होगा, लाभ प्रतिशत बराबर कितने का लाभ होगा बटा क्रय मूल्य गुणते 100। तो लाभ कितना होगा, 5 रुपए का लाभ होगा बटा क्रय मूल्य कितना है, 20 गुणते 100, तो 20 25% का लाभ होगा। अतः उस वस्तु को बेचने पर 25% का लाभ होगा, अतः उस वस्तु को बेचने पर 25% का लाभ होगा। ठीक, तो आगे चलते हैं इसी तरीके से हानि प्रतिशत, हानि पर बताया था आज उसी का हानि प्रतिशत, कल रुपए बताया था आज प्रतिशत के रूप में, यानी लिखेंगे हानि प्रतिशत बराबर कितने की हानि हुई, ऊपर किस पे निकालते हैं, हम बोला लाभ होता है हानि प्रतिशत हो, जो रेट नहीं बदलता है उसी पे निकालेंगे, क्रय मूल्य नहीं बदलेगा, तो क्रय मूल्य बोलते आपका हानि, हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रय मूल्य बोलते 100। प्रश्न पहला, जब किसी वस्तु को 10 रुपए में खरीद कर 8 रुपए में बेच दिया जाता है तो हानि प्रतिशत क्या है। ठीक, सफल क्या लिखेंगे हम, क्रय मूल्य हमें ज्ञात है, क्रय मूल्य बराबर क्या है, कैसे पता करेंगे, किसी वस्तु को 10 रुपए में खरीदना मतलब क्रय मूल्य कितना हो गया 10 रुपए, विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य बेच दिया जाता है 8 रुपए में, 8 रुपए क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। अब देखिए विक्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य से कम है तो क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा, तो हानि बराबर सीपी माइनस एसपी, सीपी कितना है 10 - 8 बराबर 2 रुपए का हानि होगा। लेकिन हमें निकालना है प्रतिशत में, निकालना हमें क्या है प्रतिशत में, ऊपर लेकिन फार्मूला लिखा हुआ, फार्मूला हानि प्रतिशत बराबर, हानि प्रतिशत बराबर हानि कितना है 2 बटा क्रय मूल्य 10 × 100, 0 0 कैंसिल, 20% का आपका हानि होगा। मतलब कि जब हम किसी वस्तु को 10 रुपए में खरीद कर 12 रुपए में बेच रहे हैं
तो 20% का लाभ हो रहा है और उसे हम 8 रुपए में बेच रहे हैं, तो हमारी 20% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। ठीक, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन स्टॉप, एक क्वेश्चन स्टॉप, दूसरा क्वेश्चन। यदि किसी किताब को, यदि किसी किताब को 20 रुपए में खरीद कर, 20 रुपए में खरीद कर 15 रुपए में बेच दी जाती है तो हानि प्रतिशत क्या है। ठीक, तो क्या लिखेंगे यहां पर हम, पहले क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य बराबर 20 रुपया, विक्रय मूल्य कितना, बेचने वाली कीमत, तो विक्रय मूल्य बराबर 15 रुपया, तो हानि कितने का होगा, हानि बराबर 20 माइनस 15 बराबर 5 रुपए का हानि होगा, तो हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रय मूल्य, हानि बटा क्रय मूल्य बोलते हैं सब। हानि कितने का हो रहा है, 5 रुपए का, क्रय मूल्य कितना दिया गया है, 20 रुपए बोलते हैं सब, तो 20 बीस 100, तो 5 से 25% क्या होगा, हानि होगा। क्या देख रहे हैं हम, पहला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी किताब को 20 रुपए में खरीद कर 15 रुपए में बेच दिया जाता है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। हम कह रहे हैं खरीदने वाली कीमत क्या होती है, क्रय मूल्य, हमने क्रय मूल्य लिया 20 रुपए, बेचने वाली कीमत क्या होती है, विक्रय मूल्य, हमने विक्रय मूल्य लिया 15 रुपए। अब देखिए विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या है, कम है, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता है तो हानि होता है, तो हानि कितने का होगा, दोनों का डिफरेंस, दोनों का अंतर 20 माइनस 5 बराबर 15 माइनस बराबर 5 रुपए, तो हानि प्रतिशत क्या होता है, हानि बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्यों, क्योंकि क्रय मूल्य हमेशा किसी भी क्वेश्चन में नहीं बदलता, मतलब क्रय मूल्य बदलता है, इसीलिए क्रय मूल्य पर हम हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत निकालते हैं, तो 5 बटा 20 होते 100, तो 20 20 20 25 100, 5 में 25, 25% का क्या होगा हमारा, हानि होगा। इसके आगे दूसरा क्वेश्चन, अभी पहले क्वेश्चन में हमने लाभ प्रतिशत लिखा था, दूसरे क्वेश्चन में हानि प्रतिशत लिखा था, लेकिन अब के क्वेश्चन में लाभ या हानि प्रतिशत रहेगा। तीसरा, यदि किसी कलम को, यदि किसी कलम को 30 रुपए में खरीदकर, 30 रुपए में खरीदकर 25 रुपए में बेच दिया जाता है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या करेंगे, हम लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करेंगे। अब हमें पता थोड़ी ना कि लाभ होगा कि हानि होगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने लिखा कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, और दूसरे प्रश्न में लिखा हमने हानि प्रतिशत क्या होगा, अब हम लिखेंगे क्रय मूल्य, सबसे पहले क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर कितना होगा, क्वेश्चन में यदि किसी कलम को 30 रुपए में खरीद कर, खरीदने वाली कीमत हमेशा क्या होती है, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 30 रुपए हो गया, विक्रय मूल्य लिखेंगे हम, विक्रय मूल्य हमेशा बेचने वाली कीमत होती है, 25 रुपए में बेच दिया गया, 25 रुपए हो गया। अब देखिए विक्रय मूल्य क्या हो रहा है, क्रय मूल्य से कम है, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होगा तो क्या होगा, हानि होगा, लिखेंगे हानि बराबर दोनों का अंतर, तो 30 माइनस 25 बराबर 5 रुपए का हानि होगा, तो हानि प्रतिशत कितना होगा, हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या, क्रय मूल्य गुणते 100, तो हानि कितने का हो रहा है, 5 रुपए का, क्रय मूल्य कितना दिया गया है, 30 रुपए का गुणते 100, 0 से 0 कट गया। अब देखिए 10 में 5 का गुणा करेंगे तो 50/3, 50/3 का भाग नहीं होगा, इतने प्रतिशत क्या होगा हमारा, हानि होगा, 50
10/3% का हमारा मान होगा। ठीक, तो आप यहीं तक, कल इसके आगे चर्चा करेंगे। अभी टॉपिक चलेगा, लाभ और हानि का टॉपिक चलेगा। थैंक यू वेरी मच।